क्या लगा था दोस्तों, पुष्पा फ्लावर है, पुष्पा फायर है। हाय गाइस, मैं अनंत और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल मूवी विला। तो मैं इस फिल्म के बारे में यही बात करूंगा। फिल्म वो फिल्म अगर आप एक गिलास लीजिए उसमें अगर एक चम्मच दिखाकर अगर उसको घोल दीजिएगा तो पता ही नहीं चलता पानी कहाँ और नमक कहाँ। इसी प्रकार से ये मूवी मतलब पुष्पा मूवी में आपको पता नहीं चलेगा क्या काम किया लूसर ने, मतलब कि आपकी कैरेक्टर उनके है 1% 1 इंच एक कहीं पर भी पूरी मूवी में वो अपने एटीट्यूड को छोड़ते नहीं, अपनी जो ग्रिप बना के रखें पूरी मूवी बना के रखें। फिल्म के बारे में क्या कहूँ, फिल्म की जो हाइप थी उससे एक्सपेक्टेड जो हम लोग कर रहे थे उससे ज़्यादा ही डबल ट्रिपल देखे गए हम लोग बारे में। फिल्म बैकग्राउंड में DSP का साउंड ऐसे लग रहे थे कि शादी में आए हुए लोग थिएटर्स पे नाच रहे थे, इतनी ज़्यादा तो इंजॉय करते हैं। बीच में पोर्शन है फिल्म में सभी चीज़ मिक्सिंग है, मतलब आप लोगों को कॉमेडी भी मिलेगी, एक्शन भी मिलेगी, एक्शन तो भर भर के मिलेगी और मैं कहूँगा पूरी मूवी में सिनेमेटोग्राफी है जो इसमें सिनेमाग्राफी की गई है। दोस्तों बॉलीवुड को सीखना चाहिए किस हिसाब से शूटिंग की जाती है। ओहो, यहाँ से एंगल, कैमरा कब घूम रहा है कहाँ, मतलब माइंड ब्लोइंग, समझ ही नहीं आ रहा है कैमरा कहाँ से घूमकर कहाँ चले जा रहा है, एक्शन सीन कैसे से कैसे हो जा रहा है। मतलब कि फिल्म की जो क्रेज है वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली, कल से जो फिल्म देखिएगा और भी आग की तरह फैलेगी मूवी। स्पाइडरमैन को भी यही कहूँगा, स्पाइडरमैन बेहतरीन मूवी है, मगर इस मूवी को आप एक बार जस्ट बार जाके देखें आप लोग इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे ऐसी मूवी। आप लोग अगले ये ऐसी मूवी है कि आप अगर आपने देख लिया ना तो आप एक इंसान को सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप जरूर जाकर उस मूवी को देखो। ऐसी फिल्म है, इतनी गजब की फिल्म है, मतलब कि अगर स्टेज पे पूरी आग लग रही थी, बवाल मूवी है। अगर मूवी के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कास्ट की बात करें, कास्ट को सभी के पता है। कास्ट में जो अल्लू अर्जुन सर है उनके रोल गए, ओहो भाई जो उनकी एक्टिंग है उसमें मैं क्या कहूँ, वो तो मतलब पूरी मूवी को वही कंधे पर उठा के चल रहे हैं। उसके बाद रश्मिका जी हमारे एक्सप्रेशन क्वींस जो हमें जिसे हम कहते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी तो देख के यही लगे थे फिल्म में उन्हें जो क्यूट रोल दिया गया वो काफ़ी बेहतरीन निभाएगा फिल्म में। मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं कि अगर एक्शन है वगैरह, इमोशन भी काफ़ी बेहतरीन है फिल्म पे, जो प्लॉट पे फिल्म बनी है उसके जो इमोशन बीच बीच में सीन्स आए वो काफ़ी बेहतरीन है। मैं फिल्म की उस चीज़ को बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जितने भी मूवी में इमोशन सीन्स हैं वो फिल्म की जान है, उसी की वजह से पुष्पा मतलब ना फायर लगा रही है उसकी मूवी पे। स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी आप लोगों को पता है, जैसे ही ट्रेलर में पता था कि अल्लू अर्जुन बने हैं स्मगलर, स्मगलर बनते हैं स्टार्ट कैसे होती है, जर्नी खत्म कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं, गुंडे इतने सारे इसमें बता दूँ, स्टार कास्ट इतने ज़्यादा हैं, एक्शन सीन के साथ इसके ज़्यादा नेगेटिव रोल्स इसमें, आप मतलब देखते देखते थकोगे नहीं और फिल्म ऐसी बात नहीं कि आपको बोरियत कहीं पर फील होगी, इतनी बेहतरीन। और क्लाइमेक्स जो उन्होंने किया है वो तो बेहतरीन है, मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी से उत्साह है कि मूवी कब आएगी, अब कल आए, परसों आए, कभी भी आए, ऐसे मतलब कि फिल्म लग रही कि कल आए तुरंत, ऐसी लग रही है एक्सपेक्टेशन। फिल्म काफ़ी बेहतरीन हाइप छोड़ के गई है, मतलब फिल्म के वक्त मैं क्या कहूँ, मतलब कि आप बस जाके देखो इस मूवी को, इतनी बेहतरीन मूवी, आप लोग इसे मिस ना करें। इतनी ये फिल्म अगर आपको टीवी पे देखेंगे ना तो ये आप लोगों को जरूर खलेगी ये बात कि मैंने इस फिल्म को थिएटर पे क्यों नहीं देखी। आप लोग मैं यही कहना चाहूँगा, आप जाओ जल्दी से जल्दी इस मूवी को, थिएटर्स बुकिंग ओपन है, सभी जाके एडवांस बुकिंग कर लो, कल के परसों की जो भी डेट आपको मिलती है उसके बाद जाके देखो, क्योंकि बाद में ये मूवी आप लोगों को बुकिंग पर नहीं मिलने वाली, आपको बुकिंग टिकट नहीं मिलने वाली, इतनी बेहतरीन मूवी है। मूवी में फाइटिंग सीन से जहाँ पर अल्लू सर आते हैं बाइक में एक नदी में और उसके बाद जो एक्शन सीन होता है भाई, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। वहाँ पर इतनी अच्छी अगर कैमरामैन और सिनेटोग्राफी इतनी अच्छी है, एक एक बूंद यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आती है मुझे। मतलब कि मैं जब इस सीन को देख रहा था समझ नहीं आ रहा था कैसे इसे शूट किया होगा, किस फ्रेम पे शूट किया, मतलब कि फिल्म में ओहो क्या कहूँ। जल सर झुकेगा नहीं साला। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्तों। बाय बाय और बने रहिएगा मेरे चैनल पे इसी की तरह।